हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी का टाइम 6:58 हो रहा है दोस्त। तो अभी हम लोग सुल्तानगंज टू देवघर रोड पे हैं दोस्त। यहाँ से देखिए बगल में ही कंवरिया बंद की रास्ता जाता है, वहाँ बगल में है। और ये गाड़ी बंद के लिए रास्ता है जो देवघर जाएगा। यहाँ से शायद 25 किलोमीटर और दूर है दोस्त। तो ठीक है, इसी रास्ते से हम लोग निकलते हैं। दोस्तों तो देखिए फाइनली हम लोग देवघर के पास पहुंच चुके हैं। तो हम लोग पुलिस में हम लोग ने गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दिया है, बोल दिया है कि यहीं पे पार्किंग है, यहीं पे गाड़ी लगेगा। यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी तय करना है और पैदल। तो दोस्तों हम अभी यहाँ पे गाड़ी पार्क। दोस्तों सुबह के 6 बजे हैं, 6 बजे हम लोग बाबा पार्किंग से निकल चुके हैं बाबा नगरी के लिए। यहाँ से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा तब हम लोग शिवगंगा पहुँचेंगे। दोस्तों हम लोग शिवगंगा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग के कंवरिया पथ पे यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी तय करना है शिवगंगा तक पहुँचने के लिए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से पैदल चल चुके हैं शिवगंगा के लिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है। दोस्तों भक्त बाबा नगरी के नज़दीक पहुँच रहे हैं। वैसे वैसे कंवरिया भक्तों में उत्साह नज़र आ रहा है, जोश नज़र आ रहा है। बिल्कुल कंवरिया भक्त देखिए पीछे जोश में नज़र आ रहे हैं। माहौल दिखा जा रहा है बाबा नगरी काफी नजदीक यहाँ से। फाइनली हम लोग शिवगंगा पहुंचने वाले हैं, बस तुरंत ही हम लोग शिवगंगा पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, संकल्प लेंगे। देखिए दोस्तों हम लोग फाइनली शिवगंगा पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। हमारे सारे कुमारिया बंधु आ रहे हैं। बम बम महादेव। बाबा पूजा करने का कितना लीजिएगा? जो श्रद्धा खुशी हम लोग 6 बम है, कितना लीजिएगा बताइए? आपको मन में अभी मुला कर बाबा सवार हो गया तो वो सब नहीं, जो श्रद्धा रहता है ऐसा बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग के फाइनली पंडित जी मिल गए हैं। हम लोग यहाँ पे बाबा से संकल्प लेंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग शिवगंगा पहुंच चुके हैं। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:08। तो दोस्तों हम लोग 7:08 पर शिवगंगा पहुंच चुके हैं। यहाँ से बाबा नगरी का दूरी 2 किलोमीटर है। तो दोस्तों हम यहाँ पे शिवगंगा में पूजा अर्चना। दोस्तों सुल्तानगंज से जल उठा के आने के बाद लोग शिवगंगा में आते हैं, श्रद्धालु शिवगंगा में आते हैं, स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत गहरा पानी है, यहाँ पे शिवगंगा देख सकते हैं बहुत ही गहरा पानी है। दोस्तों देखिए हम लोग अब स्नान करने जा रहे हैं शिवगंगा पे। ये देखिए यहाँ पे स्नान करेंगे दोस्त, मेरा बम लोग अभी स्नान कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्त, स्नान करते हैं। तो हम लोग का फाइनली पूजा हो चुका है। हम लोग बाबा नगरी में चल रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है बाबा नगरी। दोस्तों हम लोग बाबा मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए बाबा मंदिर की तरफ हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसा कि कंवरिया भक्त लोग को ऊपर सजाया जाता है लाइन लगने के बाद बाबा मंदिर में प्रवेश करने के लिए। ये देखिए कंवरिया भक्त जा रहे हैं ऊपर से, हम लोग नीचे से देखिए इस रास्ते से जाएंगे। इस रास्ते से जाते हुए देखिए इतना हम लोग 9 मास श्रावणी मेला होने के कारण इस वर्ष काफी कम श्रद्धालुओं का आना हुआ है, इसलिए ऐसे यहाँ पे भीड़ बहुत कम देखने को मिल रहा है। दोस्तों श्रद्धालुओं से खचा खच ये लाइन भरा हुआ रहता था। 14 तारीख से भीड़ आएगा बाबा। कहाँ से आना हुआ बाबा आपको? प्रयागराज से है। पैदल बम है क्या? बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। भीड़ ज्यादा रहता है इसमें हम लोग राउंडिंग कराया जाता है।
लेकिन इस वर्ष दो मास श्रावणी मेला होने के कारण काफी भीड़ कम देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप लोग वीडियो में, खचा खच भरा हुआ रहता था। इस वर्ष बाबा को जल चढ़ाने के क्रम में काफी कम चलना पड़ रहा है, इसमें राउंड नहीं कराया था, ये एक एक देख रहे हैं, बारी बारी से खोला जाता था और इसमें घुमाया जाता है, जब भीड़ बढ़ेगा तो फिर से। दोस्तों बाबा मंदिर के काफी करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर में हम लोग बाबा को जलाभिषेक करेंगे। बोल बाम मंदिर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, दोस्त फाइनली हम लोग बाबा को जल अभिषेक कर दिए हैं। दोस्त देखिए मंदिर है, आप लोग को दिख रहा होगा आज से 14 तारीख से भीड़ आपको देखने को मिलेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, सावन के तीसरा दिन है तो हम लोग जल अभिषेक कर चुके हैं। जोर जोर से नहीं बोल सकते दोस्तों, हम लोग पार्वती मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ इस मंदिर में हम लोग पूजा कर चुके हैं सभी मंदिरों में, और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे बासुकीनाथ के लिए। दोस्तों देखिए ये बाबा धाम के दुकान है पेड़ा का, बाबा धाम मंदिर के अंदर ही से है, मंदिर के प्रांगण के बाहर, मंदिर के बाहर ही सब दुकान लगा हुआ है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। बम कैसे है? 320 टका किलो। अच्छा वाला। पहले हम लोग यहाँ से मंदिर से जल चढ़ाकर निकल चुके हैं बस पड़ाव की तरफ, जहाँ हमने अपना गाड़ी पार्क किया है, तो ई रिक्शा से हम लोग ई रिक्शा लिए हैं, भैया ने ई रिक्शा लेकर आया और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से बस पड़ाव के लिए। कौन सा बस पड़ाव है भैया? दो नंबर ना, बाघमारा दो नंबर बस पड़ाव पे हम लोग जा रहे हैं। जल अभिषेक कर चुके हैं तो दोस्त अभी का टाइम हो रहा है 10:09 और हम लोग अभी हैं बाघा बस स्टैंड, और हम लोग यहीं पर गाड़ी पार्क है, तो हम लोग अभी यहां से जाएंगे बासुकीनाथ। अभी बासुकीनाथ जा रहे हैं, देवघर टू बासुकीनाथ रास्ते में है हम लोग, वहीं पे बीच में हम लोग का अच्छा जगह दिखा तो हम लोग यहीं पे खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। देखिए दोस्तों अभी 12:10 हो रहा है और हम लोग अब यहाँ से खाना बना बना कर खा करके बासुकीनाथ के लिए निकले। दोस्तों हम लोग बासुकीनाथ के लिए निकल चुके हैं, खाना खा लिए हैं, खाना खा करके बासुकीनाथ के लिए निकल चुके हैं। अभी 1:15 समय हो रहा है, अब देखिए कितना समय लगता है बासुकीनाथ जाने में। यहाँ से लमसम 35 किलोमीटर दूर है बासुकीनाथ, हम लोग बासुकीनाथ चल रहे हैं। दोस्तों हम लोग बासुकीनाथ पहुंच चुके हैं, बासुकीनाथ कंवरिया पत्ते हैं हम, अभी 2:10 हो रहा है टाइम, हम लोग पहुंच चुके हैं बासुकीनाथ। देखे जा रहे हैं बासुकीनाथ जलाभिषेक करने के लिए। दोस्तों ये एक सुप्रसिद्ध मंदिर, भारत के सुप्रसिद्ध मंदिर में से एक मंदिर है। इस मंदिर को देखने और दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तो इस मंदिर को नागरेश के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्त अभी हम लोग कंवरिया पथ पे हैं, देखिए यहाँ उधर रास्ता जाता है बासुकीनाथ, जो हम लोग अभी चल रहे हैं। दोस्त देखिए हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, देखिए रास्ता है, हम लोग चल रहे हैं, कुछ ही दूरों पर हम लोग का मंदिर है। बस मंदिर के करीब पहुँच चुके हैं, बस कुछ ही देर में बाबा के जल अभिषेक कर देंगे। देखिए दोस्त इतना भीड़ है, देखिए तो हम लोग बाबा को जल अभिषेक करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ देखिए निकास द्वार है, हम लोग बाहर जाते हैं यहाँ से, देखिए दोस्त ये निकास द्वार है। बोल बम। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पे जल अभिषेक कर लिए हैं और यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं घोड़मारा के लिए। घोड़मारा में ही हम लोग प्रसाद लेंगे और वहाँ के बाद देखते हैं कहाँ निकलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल चलते हैं हम लोग घोड़मारा प्रसाद खरीदने के लिए। 9:02 हो रहा है अभी, हम हैं घोड़मारा में, तो यहाँ पे प्रसाद का प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पे सिर्फ पेड़ा ही पेड़ा मिलता है। देखिए सुभद्रा पेड़ा भंडार, कितना बड़ा भंडार है यहाँ पर, प्रसाद आप लोग ले सकते हैं।
तब हम बासुकीनाथ से जल अभिषेक करके वापस आते हैं तो घोड़बारा में ही प्रसाद लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग घोड़बारा से देवघर के लिए निकल चुके हैं। घोड़बारा देवघर 10 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं राजगीर रोड पे, और यहाँ पे हम लोग के एक शुद्ध शाकाहारी ढाबा, देखिए यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी ढाबा है। ये शुद्ध शाकाहारी ढाबा के पास हम लोग खाना बना रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, यहीं पे खाना बनाएंगे, विश्राम करेंगे। दोस्तों अभी रात के 10 बज रहे हैं, ये वीडियो हम 10 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग खाना बन रहा है, देख सकते हैं ये खाना बन रहा है यहाँ पे। तो खाना बनाने के बाद हम लोग खा लेंगे, खाने के बाद आराम करेंगे और देखते हैं कितना बजे हम लोग की नींद खुलता है। जितना बजे नींद खुलेगा हम लोग यहाँ से हैंडली निकलेंगे राजगीर के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग खाना खा चुके हैं। हम लोग का सोने का भी प्रबंध हो चुका है, देखिए हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग खटिया भैया ने, रेस्टोरेंट वाले भैया ने दे दिए हैं हम खटिया सोने के लिए। ये देखिए हमारे बम लोग सो रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, हम लोग से नेक्स्ट ब्लॉक में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।